सिर्फ और सिर्फ सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स के लिए है जो सच में अपनी इनऑर्गेनिक को अलग लेवल पर ले आकर के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक फ्री के मार्क्स है जेई एडवांस के लिए। हे बी स्टार्मी, जो नोट्स मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ वो ऐसे नोट्स हैं जिनसे कि कई सारे ऑल इंडिया रैंक वन ने पढ़ाई की हुई है, बट अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस नोट्स को ले लो और फिर जो है उसे पढ़ना शुरू कर दो बिना प्रॉपर गाइडेंस के। अगर तुम बिना प्रॉपर गाइडेंस के पढ़ते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, हो सकता है तुम टाइम वेस्ट कर दो, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके से फ़ायदा बहुत होता है। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पर तुमको देने हैं और तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। देखो, पहले तो ये वीडियो और ये नोट्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो बस यूं ही बस AIR 1 देख करके चले आए हैं और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स के लिए है जो सच में अपनी इनऑर्गेनिक को अलग लेवल पर ले आकर के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक फ्री के मार्क्स है जेई एडवांस के लिए। आपने अगर प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ लिया तो दैट मीन्स कि आप एक जंप ले सकते हैं अपने मार्क्स में और अच्छी रैंक बना सकते हैं। तो सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स, पहले पेन पेपर लेकर के बैठ जाएं और पॉइंट्स नोट डाउन करें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, ये नोट्स बड़े बेशकीमती हैं। 5 ऑल इंडिया रैंक वन ने भाई किए सेम इसी नोट्स से। आप में से जितने लोग अच्छा करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को, चाहे वो किसी भी ब्लॉक का, पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री, पूरी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं उनका निचोड़ होता है सॉल्ट एनालिसिस। कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं सॉल्ट एनालिसिस एक चैप्टर है। नहीं, आप नूब हैं, आपको नहीं पता कि एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस पूरे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का निचोड़ है। और मैंने सॉल्ट एनालिसिस को समझाने के लिए इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के भी कई सारे सेशंस लिए हैं। आप टाइप कर सकते हो यूट्यूब पर इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बाय मोहिश्वर वेदांतु और आपको दिख जाएंगे सेशंस। प्लेलिस्ट हमने बनाई नहीं है कोई, तो आप टाइप करके देख सकते हैं। सेशंस बड़े बेशकीमती, मैंने रिएक्शंस वगैरह समझाए हुए हैं और आपके नोट्स, सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स की काफ़ी डिमांड थी आपकी तरफ से। सो दैट इज़ मैंने सोचा कि एक बार पब्लिकली आपको बता दूं कि नोट्स सिर्फ ले लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप नोट्स ले लेने से फर्स्ट रैंक या फिर इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं कर लेंगे। पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में मैं तुमको पढ़ने का तरीका बताने वाला हूँ प्रॉपरली। ओके, तो पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाओ, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस क्यों पढ़ना है, हर चीज़ ब्रेक करके बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन करके। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस्ट जिनको सॉल्ट एनालिसिस का पता नहीं है कि सॉल्ट एनालिसिस करना कैसे है और करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है। तो आओ, ओके, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, इन पॉइंट से, कि सॉल्ट एनालिसिस जब आप करते हो तो अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस में किया तब तो अनबिलीवेबल बूस्ट मिल सकता है आपके मार्क्स को, लेकिन अगर आपने रॉन्ग स्ट्रेटजीज वगैरह फॉलो की तो फिर हो सकता है कि ओवरऑल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि टीचर की गाइडेंस में करो। मैं जितने पॉइंट्स बता सकता हूँ, जितना गाइड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं करूँगा, बट ट्राई करो कि 1-to-1 आपका जो है आपके टीचर के साथ ज़रूर कनेक्शन रहे। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको एक अच्छा झलक, आपको एक अच्छी झलक मिल सकती है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के एपिसोड से, कि रिएक्शंस को समझ करके कैसे करते हैं, क्योंकि ये मिथ होता है कि रटना होता है। जबकि मैं जब भी बताता हूँ तो हमेशा ये फोकस कराने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ करके कैटायंस एनायंस को रिलेट करके, स्पेशीज के नेचर को रिलेट करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो पावर ऑफ दीज नोट्स, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑफ दीज नोट्स, ये बताने के लिए कि जो नोट्स तुम्हारे हाथ में जाने वाले हैं, जो तुम डाउनलोड करने वाले हो अभी, 50% नोट्स में इतनी ताकत है कि अगर ढंग से तुमने कवर अप किया, समझ समझ करके किया, दिमाग में रखा, तो 90% से ज़्यादा वीक एज एसवाल हो जाएगी। ओके, तो अब हम आ रहे हैं मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज़ दीज नोट्स पर। और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले एनायंस, हालांकि आप नोट्स में देखोगे पहले सीक्वेंस में एनायंस की एनालिसिस दी हुई है, तो वो एनालिसिस इस वजह से होती है क्योंकि वो एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, और उससे फ़ायदा होता है जब हम प्रैक्टिकली सॉल्ट एनालिसिस को करते हैं। तो बट अभी हम प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे, हम तो जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, और थ्योरेटिकली पढ़ने में और आपके अपने एफर्ट देने में मैंने ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि आपको बहुत फ़ायदा होता है अगर आप कैटायंस का पार्ट पहले करते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप कर ले, जो ग्रुप 1, 2, 3, 4 करके होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं और उनके प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके कलर्स होते हैं। कलर्स के पीछे भागना मत, जितने नोट्स में बातें की गई हैं उतना ही करना, अननेसेसरी पागलों जैसे ढेर सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स का कलर मत रटते रहना। उसमें भी जब तुम सॉल्विंग करना शुरू करोगे वीके जैसा, तो तुम ये पाओगे कि कई सारे रिपीटेटिव होते हैं कलर जो बार बार पूछे जा रहे होते हैं। तो अबाउट जो तुमको टोटल जितने भी कलर ऑफ कंपाउंड्स पढ़ने हैं ना, उसमें से 60-75% मैं बोलूँगा रिपीटेटिव होते हैं, वो 15-20-25% आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, वो भी 25%, 15-20% ऐसे होंगे जो कि शायद कभी कभी कुछ कुछ नए नए दिख जाएं, वो भी मुझे अंदर से फील हो रहा है मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, नहीं होते हैं इतना। सॉल्विंग करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, रिपीटेटिव टाइप के ज़्यादातर होते हैं।
तो चिंता ही नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, कटायंस वाले पार्ट में ध्यान रखना है कि ये जो पांच कटायंस है ना, पीबी, एजी, एचजी, सीयू, एफई वगैरह, ये ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं। वैसे कटायंस वाला पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी को ध्यान से पढ़ो, एज कम्पेयर टू अनायंस ज़्यादा ही कटायंस से तुमको फ़ायदा होता है पढ़ने से। तो उनमें भी ये जेई एडवांस के फेवरेट होते हैं, जिनको मिस नहीं करना। फिर इसके बाद जब तुम इतना कर लोगे ना कटायन का पार्ट, तो अनायंस शुरू करना, और अनायन में भी इन बेसिक अनायंस का ज़्यादा ध्यान रखना, कार्बोनेट बाय कार्बोनेट, सल्फाइड बाय सल्फाइड, अलॉन्ग विद सल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फर वाले सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत डिस्कस होते हैं। और फिर क्रोमेट, परमैग्नेट और ऑक्सिलेट वगैरह, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। इनके बाद क्या करना कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट या फिर ब्राउन रिंग टेस्ट या फिर सोडियम नाइट्रोपोरसाइड टेस्ट, इन सब की लिस्ट एक जगह A4 साइज़ में कर लेना। ये ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में इनको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब तुम इतना कर लो ना, तो ऑलमोस्ट 50% नोट्स पर पहुंच जाओ, तो वीके जायसवाल की सॉल्विंग स्टार्ट करना। और यहाँ पर वीके जायसवाल की सॉल्विंग के भी मैं टिप्स दे रहा हूँ। पहले तुम पैराग्राफ बनाना, तुम्हारा बेस बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। एंड इसके बाद तुम ध्यान रखना कि मैट्रिक्स पे जाना है, और मैट्रिक्स पे जाने के बाद फिर मल्टीपल करेक्ट बनाना है। ये सीक्वेंस मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। सो बस इतना ही कहना था। अब आप काम पर लग जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, एंड दिस इज़ ओनली फॉर सिंसियर जेईई एस्पिरेंट्स। ये ध्यान रखना है, मस्ती मारने वालों के लिए नहीं है, बिकॉज ये बहुत सिंसियर काम है। और मैंने जैसा आपको बताया कि आप करने को कर लो, बट अपने मन मर्जी से जो भी करोगे, इस एक मंथ में प्लैंड वे में नहीं चलने से और स्ट्रैटेजिक वे में नहीं चलने से नुकसान होता है। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की कोशिश की, होपफुली तुम इसका फायदा उठाओगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।